सो गाइस वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। कल हमने अपनी आर्म साइज को पूरा का पूरा खोल दिया, एक एक पार्ट, एक एक सब कुछ, बोल्ट नट सब निकाल दिए। टायर आप देख रहे हो, पीछे का स्विंग आर्म आप देख रहे हो, जैसी अभी यहाँ रखा हुआ है। तो आज हम इसके कलर और कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि इसमें थोड़ा बहुत सामान लाना पड़ेगा। जैसे कि कलर तो लाना ही है, इसके अलावा इसके क्लच वायर हो गई, एक्सलेटर वायर हो गई, और कुछ बेयरिंग जो मेरे को अभी ख़राब नहीं हुआ है, बट जब खुला ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी इसमें चेंज कर दिया जाए। इंजन दिखाता हूँ अभी मैं आपको। इंजन मैंने सेफली वहाँ रख दिया है, तो जब भी हम फिटमेंट करेंगे इसकी, तब हम जो है इंजन निकाल लेंगे, उसको भी क्लीन करेंगे, उसको भी कुछ पार्ट पेंट करने हैं। तो ये पूरा क्लीन वॉश हो करके और इसमें ग्रीसिंग वगैरह करके हम पूरा फिट करेंगे। तो चलते हैं, अभी सबसे पहले इसके कलर्स वगैरह पार्ट्स वगैरह लेने के लिए निकलते हैं। तो हम जा रहे हैं अपनी बीच से, और यहाँ पर मैंने इसको वार्म अप कर लिए, तो अभी नरेश भाई आ रहे हैं, निकलते हैं इसका सामान लेने के लिए। चलो बैठो। तो अभी वाली शॉप तो बंद है, कहीं निकल गया बंदा, तो हम लोग यहाँ पर आए और पेंट रिमूवर ले लिया। अब यहाँ से अब निकल रहे हैं पेंट लेने के लिए दूसरी शॉप देखते हुए। जाता उसी जगह चलना है जहाँ पे गए थे अपन। हाँ नहीं, उसी जगह नहीं, कमला पेट्रोल पंप है। ये कहाँ पर है? ये अपने बस स्टैंड के आगे। बस स्टैंड के आगे। हाँ तो अभी उसी जगह चलते हैं पेट लेने के लिए, और यहाँ से राइट लेता हूँ क्योंकि आगे तो डाइवर्जन करा हुआ है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से हम शॉर्ट एंड स्वीट निकल जाएंगे। अभी ओ भाई साहब, हटा भाई। डायरेक्टली आ रहे हैं, अभी पूरे चौराहा करके आना पड़ती है अपने को। ये उधर ही पड़ा है अपना मारुति शोरूम है ना? हाँ हाँ उसके आगे वाला मारुति शोरूम के आगे वाला, वो रिलायंस के आगे जो, हाँ रिलायंस के सामने है जो ना, रिलायंस वाले के सामने जो है। चलते हैं अभी, ना रास्ता ना फिर था आगे की कहानी, क्योंकि बैटरी जो है ना कैमरे की वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब जा रही है, बहुत सारा रिकॉर्ड भी करना है। देखते हैं, बीच में अगर गायब हो जाए समझ जाना कि बैटरी गई अभी मेरी भाई, कैमरा की मेरी नहीं, अपनी बैटरी में बहुत अभी। अभी और ये सामने जो बंदा बना रहा है कलर, यही बनाएगा, लेते हैं अभी कलर इससे। अभी पूरा कलर वगैरह ले लिया है जितना भी लेना था, और इसी के साथ में अभी जितने भी पार्ट्स वगैरह थे वो भी हमने ले लिए हैं बाइक के। तो अब निकलते हैं घर के लिए, लगभग पूरा सामान हो चुका है, और कुछ रह तो गया है नहीं एक्चुअली, मेरे को तो कुछ याद आ नहीं रहा बाकी। हाँ आर्मी फाइव का शोरूम पर तो कुछ नहीं मिला, तो हमने जो है बाहर से लेना पड़ा सामान। अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा यार मुझे, लगभग लगभग तो अपन ने जो लिस्ट थी वो पूरी हो गया। अब तो वो टेप वगैरह वो तो अपन को घर मिल ही जाएंगी है ना, बस बाकी का सर्विस का पूरा सामान ले लिया, कलर पूरा ले लिया, कलर तो अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया, थिनर विनर भी आ गए, तुम्हारे घिसने के पत्ते भी आ गए, और तो कुछ याद आ नहीं रहा मेरे को अब इसके अलावा। चलो फिर भी ठीक है, तो चलते हैं भाई। तो मार्केट से आने के बाद में सारा हम सामान ले लिया था इसका, और ये सर्विस वगैरह के भी पूरे पार्ट्स ले आए थे, कलर भी ले लिया था,
और उसके बाद में अभी पेंट रिमूवर से सबसे पहले रियर कैलिपर का पेंट निकालना स्टार्ट किया, कुछ इस तरह से निकाल लिया। तो वैसे के वैसे अभी ट्राई कर रहे हैं अलॉय पे भी। सबसे बेस्ट तरीका है ये, पेंट रिमूवर से ही पेंट निकालें। सैंड पेपर से रगड़ने से क्या होता है, कई बार स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बाद में फिनिशिंग नहीं आ पाती, इसलिए हम लोग पेंट रिमूवर यूज़ कर रहे हैं। तो पूरा पेंट आराम से निकल जाएगा इससे। पहले दोनों व्हील्स का पेंट रिमूव कर लेते हैं, और इसके लिए जो मैं ये केमिकल यूज़ ले रहा हूँ, पेंट रिमूवर के नाम से याद आई है, तो फटाक से निकालते हैं इनका पेंट। तो अभी जैसे इस पर अप्लाई किया था, इस पर तीन लेयर की कलर हो रहा है, मैंने पहले करवाया था एक तो इसमें ग्रीन, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्लैक, और ये ऑरेंज अलॉय वगैरह पे हुआ था, तो इसलिए तो ये कुछ इस तरह से तीनों लेयर यूँ इजीली निकल जा रही है बिल्कुल। अब इस पर जब पेंट होगा वो बहुत सही से हो जाएगा। तो ये देखो कितने आराम से पूरा पेंट निकल जा रहा है, और इसमें भी पूरे बबल आ चुके हैं, तो ये पेंट भी बहुत जल्दी निकल जाएगा अभी। या तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो इसमें पेंट रिमूव करने के लिए, जहाँ भी एजेस वगैरह में पेंट रह जाए। तो ये देखो अभी बिल्कुल लास्ट पूरा पेंट निकल चुका है, इसके ऊपर का कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे ही पूरे कैलीपर का निकलने वाला ही है। इसके बाद में मैं ब्रश यूज़ करूँगा जो इसके एजेस वगैरह में पेंट रह जाएगा वो निकल जाएगा। अभी तो पूरा पेंट ही मेल्ट हो गया। कुछ भी हो उसको निकालने में ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो अलॉय पे अप्लाई करने के बाद में अभी कुछ डबल लेयर है, पहले ब्लैक थी जो ओरिजिनल स्टॉक आया था कलर इसका, तो अभी आप देख सकते हो ये देखो इस तरह से ये पेंट रिमूवर से ये वाला अप्लाई किया, और इस तरह से पूरा जो है एक लेयर बन के, दोनों मल्टीपल पेंट की लेयर हो या सिंगल लेयर हो बहुत इजीली निकल जाएगी। और फिनिशिंग आप देख सकते हो कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको क्लीन करके वॉश करके पेंट मार दो उसके ऊपर, इससे क्या बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है और बहुत इजीली जो है पेंट निकल जाता है। तो अभी आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से है, पूरा अलॉय का पेंट जो है निकल चुका है बोथ साइड से, इधर से भी देख लो। सिर्फ ये ब्लैक मार्क जो है ये हीट करने के, एक बार अलॉय बैंड हो गया था तभी के हैं, बाकी अब सेकेंड वाले व्हील का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है अभी इसके पेंट निकालने की। अलॉयज का दोनों का पेंट निकल चुका है, और इनका पेंट निकलने के बाद में अभी टैंक का निकालने वाले थे, बट उसके पहले सोचा कि एक बार इसका फ्यूल पंप चेक कर लिया जाए कैसी क्या कंडीशन है। तो अभी फ्यूल पंप जब मैंने निकाल करके देखा तो इसकी कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, कोई कचरा वगैरह कुछ नहीं है, फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ है, और इसके अलावा तो इसमें कुछ काम दिख नहीं रहा, तो टैंक भी बिल्कुल क्लीन है। तो अभी इसको वापस से फिट करने वाला हूँ मैं, अब इसको फिट कर देते हैं कंप्लीट वापस। अलॉय इसके बाद में स्विंग आर्म का पूरा पेंट निकल चुका है, कुछ रहा है वो थोड़ा सैंड पेपर से निकालना पड़ेगा। उसके बाद रही बात टैंक की, तो अभी टैंक का कलर उतारा जा रहा है, इसमें पुट्टी भी हो रखी है। ये मैंने यूज़ टैंक लिया था क्योंकि मेरे वाले में यहाँ पर रस्ट जम गई थी, तो उससे टैंक ख़राब हो गया था, तो मैंने यूज़ सेकेंड हैंड इसका टैंक लिया था, तो वो कलर के साथ में तो मिला था, बट अभी इसका कलर भी दोबारा से कर रहे हैं, तो निकाला तो उसके नीचे पुट्टी वुट्टी निकल रही है, तो उसमें टाइम लग जाएगा, और टाइम को देखते हुए लगा ऐसा रहे कि आज जल्दी रात हो जाएगी तो फिर पूरा काम हो नहीं पाएगा। तो आज तक तो सिर्फ यही काम हो पाएगा कि इनका जो पेंट है कैलिपर का हो गया, हमारे अपर्टी का हो गया, स्विंग आर्म का, लॉयड का, ये हो गया। तो कल से इनकी एक बार और घिसाई घिसाई करके देखते हैं, पेंट स्टार्ट कर देंगे फिर इनका। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।